हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फिलहाल आप जो देख रहे हो ये है बांद्रा बैंड स्टैंड का बीच साइड वाला व्यू। यहाँ पर एक जो है ट्रैक है जिस पर लोग चलते हैं, और साइड साइड में बैठने का भी है। हर जगह आपको बैठने के लिए चेयर्स वगैरह रखी हुई मिल जाएंगे, वहीं पर सभी लोग बैठते हैं और अपना जो है रोमांस वगैरह करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है पानी के पास बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर हैं, उनके बीच में भी लोग जाकर बैठते हैं। कपल्स लोग ज़्यादातर, यानी कि जो टीन एज के होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स प्रेमी जोड़े, वही जाकर वहाँ पर बैठते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सुबह के टाइम आपको दिखा रहा हूँ, सुबह का टाइम का व्यू है ये। यहाँ पर कुछ लोग वॉकिंग कर रहे हैं और कुछ लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने आपको शुरू से अंत तक दिखाने वाला हूँ, फुल ब्लॉग है, कोई कटवट नहीं मिलेगा आपको। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे जो हैं कबूतर्स हैं। यहाँ पर कबूतरों को भी बहुत सारा जो है दाना वगैरह खिलाते हैं। कुछ लोग आकर देख सकते हैं, यहाँ पर समुद्र है, इतना अच्छा समुद्र है, इतना अच्छा। और यहाँ पर पास में ही शाहरुख खान का घर है और सलमान खान का घर भी है पास में ही। मतलब कि एक साइड, एक छोर पे है शाहरुख खान का घर और एक साइड पे है सलमान खान का घर। और शाहरुख खान के घर के आगे अगर आप जाते हो तो आपको बांद्रा फोर्ट मिलेगा, जहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यवस्था है कपल्स लोगों के लिए। और वहाँ पर पार्क वगैरह भी लगा हुआ है। फिलहाल आप ये देखो, यहाँ पर अगर आप आना चाहते हो तो आप बहुत ही आसानी से आ सकते हो। अगर आप कहीं से भी आते हो तो आप सबसे पहले बांद्रा रेलवे स्टेशन आ जाइए, नहीं तो आप दूर से आ रहे हो तो मुंबई सेंट्रल या CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कोई भी स्टेशन आ जाइए, और वहाँ दादर रेलवे स्टेशन, कोई भी रेलवे स्टेशन आ जाइए, वहाँ से आप बांद्रा रेलवे स्टेशन के हर समय आपको दो दो मिनट, पाँच पाँच मिनट पर ट्रेनें मिल जाएंगी यहाँ पर आने के लिए। तो दोस्तों, आप आसानी से वहाँ पर बांद्रा रेलवे स्टेशन आ जाइए, और फिर वहाँ से आप 5 रुपये की बस की टिकट मिलती है, सीधा आपको यहाँ पर शाहरुख खान के घर के सामने उतारेंगे। वहाँ से फिर आके आप अपना जो है यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, मैं यहाँ पर बहुत बार जा चुका हूँ तो मुझे सारा कुछ पता है यहाँ का। अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दोस्तों, इसके बाद जो है आप दादर और महिम बीच भी जा सकते हो। वहाँ पर भी जो है कपल्स लोग के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था है। इस तरह का नहीं है, पर वहाँ पर जो है आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, वो कपल्स लोग ही मिलेंगे रोमांस करते हुए। महिम बीच से दादर बीच की अगर आप जाते हो तो आपको बहुत सारे लोग देखने को मिल जाएंगे, प्रेमी जोड़े। और दादर का जो अंत होता है वहाँ पर आपको जो है वहाँ पर थोड़ा सा गंदा एरिया है, मतलब कि जो भी वेस्ट है यहाँ का मुंबई का, वो सारा नालियों के द्वारा इसमें छोड़ा जाता है, समुद्र में छोड़ा जाता है। तो उस साइड में थोड़ा सा गंदगी है, लेकिन महिम बीच से दादर बीच तक जाते रहते हैं आपको बहुत ही अच्छा सीन देखने को मिलेगा। आप अगर आना चाहते तो आ सकते हो। अगर आप महिम जंक्शन रेलवे स्टेशन से आते हो तो सीधा आप महिम बीच तक पहुँच सकते हो, और दादर रेलवे स्टेशन से दादर बीच पहुँच सकते हो आसानी से। क्योंकि हर जगह आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा, कोई यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको पूरी सुविधा मिलती है यहाँ पर मुंबई में, तो आप आसानी से आ सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत ही रिस्की भी होता है ये सब बनाना, इसलिए। तो दोस्तों, आप वीडियो देखते रहिए अंत तक। आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, तो आप देखते रहिए।